हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है शर्विल, आप देख रहे हैं टेक बॉर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, जिसकी वजह से आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी बचत आप कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आप ये चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको उसका अपडेट आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि आप एक गूगल क्रोम के अंदर एक ऐड ऑन आता है। गूगल क्रोम, आप फायरफॉक्स, जो भी एक ब्राउज़र यूज़ करते हो, जो फेमस ब्राउज़र है, उसमें एक ऐड ऑन आता है, उसका नाम है बाय हट के। आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इससे होता ये है कि वो बाय हट इतना यूज़फुल है कि आप जो शॉपिंग वेबसाइट पर आप जा रहे हो वही वेबसाइट के अंदर आपको एक छोटा सा बार मिल जाता है, जो से आप क्लिक करके आपको पता चलेगा कि ऑल द वे जब भी ये प्रोडक्ट मार्केट में आया था, जब भी ये प्रोडक्ट ये ऑनलाइन स्टोर पे आया था, तब से लेके अब तक कितना प्राइस में उतार चढ़ाव है। आपको ग्राफिकल पूरा इंटरफेस मिल जाएगा और उसके अंदर आप वही पेज पे रहकर और दूसरी वेबसाइट जो है उनके प्राइसेस जो है वो कंपेयर कर पाएंगे। जैसे ही आप ऊपर जो बटन आते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें सारी वेबसाइट जिस पे ये प्रोडक्ट लिस्टेड है वो प्रोडक्ट आपको उसकी प्राइस मिल जाएगी और उसको बता देगा आपको कि कौन से वेबसाइट पे आपको ये जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम दाम में मिल रहा है और कहाँ से आपको बाय करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि आप कूपन कोड्स को सर्च कीजिए। कूपन कोड्स क्या होते हैं? अगर आपने ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज किया होगा तो उसमें आपको पता होगा काफ़ी बार हमें जो पेटीएम वगैरह से अगर हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो कैशबैक ऑफर्स वगैरह मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रूपॉन है, कैश करो वगैरह, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें ये सारे जो ऑफर्स हैं वो प्रोवाइड करती है। तो यही चीज़ें आपको सर्च करनी है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। यही आप अगर गूगल सर्च में डालेंगे तो आपको बहुत सारे जो वेबसाइट्स है जो ये ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करेंगे तो जो एक्चुअल डिस्काउंट आपको वेबसाइट पे मिल रहा है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे मिल रहा है आपको, उससे कई ज़्यादा कैशबैक आप पा सकते हैं या उसमें कुछ डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप कोई भी शॉपिंग करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट डिस्काउंट मिले तो आप कूपन कोड सर्च कीजिए। जो मैंने दूसरा पॉइंट जो बताया कि कूपन कोड्स वगैरह जो है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है, उसी तरह कैशबैक ऑफर्स भी बहुत सारे होते हैं कि आपका पर्टिकुलर जो है वो एक बैंक में आपका अगर अकाउंट है तो वो बैंक के साथ आप काफ़ी सारे कैशबैक ऑफर्स जो डाल सकते हैं। जैसा भी रिसेंटली हमें बहुत सारे जो ऑफर्स मिले थे, यानी कि बिग बिलियन डे है और अमेज़न का ग्रेट इंडियन सेल है, जो सारे बने थे उसके अंदर हमें कहीं पे HDFC का था, कहीं पे SBI का था, तो ये सारे ऑफर्स जो है हमें ढूंढने होते हैं। वही चीज़ है, अभी जो रिसेंटली एक नया सेल शुरू हुआ है आपका, जो इंडियन फेस्टिवल सेल है सेम अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ, तो उसमें भी उसके फ्रंट पेज पे ही लिखा होता है कैशबैक कितना मिल सकता है आपको, कितने पॉइंट्स आपको रिटर्न मिलेंगे। तो वह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के आपको प्रोडक्ट बाय करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर पाएंगे। और अगर आप कोई प्रोडक्ट पेमेंट कर रहे हैं और अगर आपको शायद से नहीं मिला है तो अगर आप पेटीएम को यूज़ करके अगर पे करेंगे या और कोई भी जो पेमेंट ऑप्शंस है उसे यूज़ करके करेंगे तो काफ़ी सारे जो इनिशियल प्रमोशनल कोड्स वगैरह जो होते हैं जिसकी वजह से आपको कैशबैक ज़्यादा मिलता है, तो वो सारे कोड्स यूज़ करके आप अगर पे करेंगे तो आपको उतना कैशबैक वापस आएगा। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो मोबाइल रिचार्ज में भी काफ़ी सारे जो कूपन कोड्स हैं हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, तो अगर आप वो ऑनलाइन में अगर आप प्रीपेड का रिचार्ज करते हैं, पोस्टपेड का रिचार्ज करते हैं, तो हर एक का कूपन कोड अलग होता है, हर एक का कैशबैक कोड अलग होता है, GET50, GET100, ये वो सारे जो कूपन कोड्स हम यूज़ करते हैं, उसी तरह शॉपिंग के लिए भी कोड्स होंगे। वो सारे कोड्स जो है आप डालिए, यानी कि अगर आपको कूपन कोड सर्च करने हैं कोई अमेज़ॉन के, कूपन कोड सर्च करने हैं कि आपको पेटीएम के, तो कूपन कोड्स फॉर पेटीएम, कूपन कोड्स फॉर अमेज़ॉन, ये वो सारे आप सर्च करके आप बेस्ट कूपन कोड जो है आप यूज़ करके आप बेस्ट कैशबैक पा सकते हैं। इसी के साथ और एक जो चीज़ है वो हम काफ़ी बार जो है उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, वो चीज़ है कि आप अपनी विश लिस्ट बना सकते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा कि अगर अमेज़ॉन आप सर्च कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट सर्च कर रहे हैं तो जहाँ पे बाय ऑप्शन होता है उसी के ऊपर या नीचे कहीं ना आजू बाजू में ऐड टू विश लिस्ट वाला ऑप्शन होता है। वो चीज़ कभी हम नोटिस ही नहीं करते। ऐड टू विश लिस्ट क्या होता है कि ठीक है हमें कोई प्रोडक्ट बाद में खरीदना है, उसलिए मैं तो काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, लेकिन उससे होता ये है कि अगर आप विश लिस्ट में डालते हैं तो आपकी अगर बर्थडे आ रही है या आपको कोई एनिवर्सरी है कि आपका वो कंपनी के साथ अगर आपने अकाउंट बनाया उसके लिए एक साल हो चुका है,
तो कंपनी जो है वो आपकी जो विश लिस्ट है वो कंसीडर करती है और कई बार आपको पर्टिकुलरली आपके लिए कुछ डिस्काउंट ऑफर्स लेके आती है कि अगर आपका कोई बर्थडे अगर है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि कोई एक मोबाइल फ़ोन है जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, तो मैंने उसे ऐड टू विश लिस्ट करके रखा हुआ था। अभी इतने टाइम बाद कुछ नहीं था, लेकिन मेरा बर्थडे जब आया तब मुझे मेल आता है कि आपका जो विश लिस्ट है हमने स्कैन किया और उसमें ये प्रोडक्ट जो है आपने विश लिस्ट में डाल के रखी है, तो इसके लिए हम आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो डिस्काउंट जो है पर्टिकुलरली आपके लिए और वो काफ़ी सारा फायदेमंद होता है। और अगर आपकी विश लिस्ट आप पब्लिक करते हैं तो पब्लिक विश लिस्ट अगर आप वहाँ पे ज़्यादा लाइक मिलते हैं कि आपकी विश लिस्ट किसी को पसंद आई है कि ठीक है हमें भी ऐसी ही विश लिस्ट एक बनानी थी, तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको डिस्काउंट मिलता है कि ठीक है आपकी विश लिस्ट काफ़ी पसंद की गई है तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। तो उसी तरह ये विश लिस्ट का काम करता है कि आप अगर आपकी विश लिस्ट तैयार करते हैं तो आपको फ्यूचर में पता नहीं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिस्काउंट आपको कब देगी, लेकिन डिस्काउंट देगी ज़रूर। तो ये विश लिस्ट का जो फंडा है वो यही है कि आप विश लिस्ट में डाल के रखिए, जैसे कि सांता क्लॉज है हम अपनी चिट्ठी डाल देते हैं, सांता क्लॉज हमें आके गिफ्ट दे जाता है, उसी तरह ये कंपनी जो है अगर हम अपनी विश लिस्ट बना के रखते हैं तो कंपनी को अगर लगता है कि ठीक है ये प्रोडक्ट हमें वो डिस्काउंट में दे सकता है तो पर्टिकुलरली वो डिस्काउंट सिर्फ हमारे लिए होता है। तो इसी तरह विश लिस्ट काम करता है। तो विश लिस्ट बना दीजिए, क्या पता आपको कोई प्रोडक्ट के लिए, आपके चाहते प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट मिल जाए। तो इसी को मैं समअप करके आपको बताता हूँ कि ये सारी जो ट्रिक्स और टिप्स वगैरह जो है मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें हर वेबसाइट के लिए, हर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम करेगी। और किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा फेस्टिव सीजन जो है वो आ रहा है और अभी भी करंटली अगर मैं आपको वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं तो वो सेल जो है वो अभी फिलहाल चालू है 8 अक्टूबर तक। फ्लिपकार्ट का सेल जो है वो 5 तारीख से शुरू हुआ था, अमेजोन का सेल वो 4 तारीख से शुरू हुआ था, तो फिर से वो सेल का सीज़न जो है शुरू हो रहा है। तो काफ़ी सारे डिस्काउंट ऑफर्स जो है वो कंपनी हमें देने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, आप सब जो हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट ऑफर मिले और बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंट जो है वो गेन कर पाए और उनको ज़्यादा पैसे ना देना पड़े कंपेयर्ड टू अगर हम ऑफलाइन मार्केट को देखते हैं, क्योंकि ये फेस्टिव ऑफर्स में ज़्यादा करके जो ऑनलाइन मार्केट में काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती है, ऑफलाइन मार्केट में भी काफ़ी सस्ती मिलती है लेकिन हमें ढूंढने जाना पड़ता है। अगर हम ऑनलाइन अगर इतनी कैशबैक और इतनी सारी जो डिस्काउंट्स है वो पा सकते हैं तो हमें ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह मैं समअप करना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो है आप कंसिडर कीजिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं या कभी कभी करते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जब भी करना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें आप अगर समअप करेंगे तो आप बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंट ले पाएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है या आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या आपको कुछ ज़्यादा पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल बी ग्लैड कि आपने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपको वीडियो पसंद आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।